दूसरी ओर किट को छोड़ दिया गया और वो खुशी खुशी मिस्टर गारलैंड के यहाँ वापस चला गया। वहाँ उसने सबसे मुलाकात की, मिस्टर गारलैंड से, मिसेस गारलैंड से, उनके बेटे से, बारबरा से, सिंगल जेंटलमैन से और अपनी माँ से भी। सबने मिलकर किट का स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद किट को याद आया कि उसका एक और दोस्त है और वो कोई और नहीं विस्कर था, वो घोड़ा। इसीलिए किट विस्कर के पास गया, उससे मिला, उससे बातें की। तभी किट को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने देखा कोई और नहीं, बारबरा थी वहाँ। बारबरा किट के पास जाती है और उससे कहती है, किट, क्या ये सच में तुम हो? क्या तुम सच में मेरे सामने हो? क्या तुम ठीक हो? किट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। इतना बोलकर बारबरा रोने लगी। किट ने बिना कुछ सोचे उसके आंसुओं को पोंछा और फिर अचानक किट ने बारबरा को किस किया। बारबरा हैरान रह गई और वहां से भाग गई। उसी शाम मिस्टर गारलैंड किट के पास आए और उससे कहा कि किट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर गारलैंड ने किट से कहा कि किट, क्या तुम कल मेरे साथ एक यात्रा पे चलोगे? किट ने कहा कि यात्रा पे? मिस्टर गारलैंड ने कहा कि हाँ, एक यात्रा पे। नेल और उसके दादाजी मिल चुके हैं। नेल काफ़ी बीमार है और कमज़ोर हो गई है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद मिस्टर गारलैंड ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो कि एक गांव में स्कूल टीचर है, उसका नाम है मिस्टर मार्टिन। हम ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन हमारी बातें चिट्ठियों के माध्यम से अक्सर होती रहती है। तो जब उसने मुझे चिट्ठी में कुछ दिनों पहले दो लोगों के बारे में बताया कि एक छोटी लड़की और उसके दादाजी काफ़ी समय से इधर से उधर भटक रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी दोस्त है। इसीलिए मैंने मिस्टर मार्टिन से और भी ज़्यादा जानकारी मांगी और फिर जब मिस्टर मार्टिन ने दोबारा मुझे चिट्ठी लिखी तो उससे ये मुझे पता चल गया कि वो नेल और उसके दादाजी ही हैं। किट ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा आपके साथ। लेकिन उस रात किट ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि वो पूरी रात नेल और बारबरा दोनों के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उन सबका जर्नी शुरू हुआ। सिंगल जेंटलमैन और मिस्टर गारलैंड कैरेज के आगे बैठ गए और किट कैरेज के पीछे। वो सभी शाम तक सफ़र करते ही रहे। काफ़ी टाइम तक वो सभी चुप थे। अचानक से सिंगल जेंटलमैन ने मिस्टर गारलैंड से कहा कि क्या आप एक अच्छे श्रोता हैं? मिस्टर गारलैंड ने सिंगल जेंटलमैन से कहा कि बिल्कुल, अगर कहानी इंटरेस्टिंग हो तो ज़रूर। सिंगल जेंटलमैन ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सिंगल जेंटलमैन ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने बताया कि दो भाई थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के बीच 12 साल का एज डिफरेंस था। वो बहुत ही खुश थे। एक बार उन दोनों को प्यार हो गया, लेकिन दुखद बात ये थी कि उन्हें एक ही औरत से प्यार हुआ था। जो छोटा भाई था उसे सबसे पहले ये एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई भी उसी औरत से प्यार करता है जिससे वो करता है। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया। लेकिन फिर उसे अपनी बचपन की बात याद आई कि जब वो छोटा था और एक बार काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था और कमज़ोर हो गया था, तो उसकी देखभाल उसके बड़े भाई ने की थी।
इसीलिए छोटे भाई ने ये डिसाइड किया कि वो उस औरत के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करेगा और उसे भूल जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बड़ा भाई हमेशा खुश रहे। इसीलिए जो छोटा भाई था उसने उस जगह को छोड़कर कहीं और जाने का फैसला किया। बड़े भाई ने उस औरत से शादी कर ली और कुछ समय तक वो खुश रहा। इसके बाद उसकी वाइफ मर गई और अपने पीछे एक बेटी छोड़ गई। वो बेटी बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने एक बहुत ही बेकार इंसान से शादी कर ली, जिसने उसके सारे पैसे को गवा दिया और उससे बहुत ही बुरी तरीके से पेश भी आता था। धीरे धीरे उसका हस्बैंड भी मर गया और वो भी मर गई और अपने पीछे दो बच्चों को छोड़ गई। उसमें से एक 10 साल का लड़का था और एक छोटी सी लड़की थी। उन दोनों की देखभाल उनके दादाजी यानी कि जो बड़ा भाई था उसने किया। वो बड़ा भाई हमेशा ही उदास रहता था, क्योंकि सबसे पहले तो उसने अपनी वाइफ को खोया और उसके बाद अपनी बेटी, और अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। लेकिन तब भी उसने अपने बेटी के बच्चों की देखभाल की। दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन उन दोनों का कैरेक्टर काफ़ी अलग था। जो लड़का था वो बिल्कुल अपने पिता पे गया। वो बेईमान था, आलसी था और अपने दादाजी की सारी पैसे उसने बर्बाद कर दी और इसके बाद वो अकेले रहने लगा। और जो लड़की थी वो बहुत ही स्वीट थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो अपने दादाजी के साथ ही रहती थी और अपने दादाजी की मदद करती थी एक दुकान चलाने में, जिसमें पुरानी और रोचक चीज़ें मिला करती थी। जो बड़ा भाई था, जो कि अब बूढ़ा हो गया था, वो अपनी नातिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसका चेहरा उसे हमेशा अपनी वाइफ और अपनी बेटी की याद दिलाता था, लेकिन वो हमेशा डरा हुआ रहता था कि कहीं उसकी नातिन भी उसकी वाइफ और उसकी बेटी की तरह कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर ना कहीं चली जाए। इतने सालों तक वो छोटा भाई इधर से उधर अलग अलग देशों में घूमता रहा अकेले। जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसे अपने बड़े भाई की याद आती थी और वो समय याद आता था जब उन दोनों ने बचपन में एक साथ समय बिताया था। एक समय आया जब उसे लगा कि अब उसे अपने बड़े भाई की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, इसीलिए उसने जो भी कमाया था वो सब उसने बेच दी। अब वो इतना अमीर था कि वो अपना ध्यान और अपने बड़े भाई का ध्यान रख सकता था, इसीलिए वो लंदन वापस आया और अपने बड़े भाई के घर का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन इतना कहकर सिंगल जनरल मैन का गला बैठ गया। इसके बाद मिस्टर गार्लैंड ने कहा, हाँ आगे की कहानी मुझे पता है मेरे दोस्त, मुझे पता है। इसके बाद सिंगल जनरल मैन ने मिस्टर गार्लैंड से कहा कि आपको पता है क्या कि मैं काफ़ी समय से अपने भाई को और उसकी नातिन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा। लेकिन अब शायद मुझे ये उम्मीद है कि अब वो दोनों मुझे ज़रूर मिल जाएंगे। आखिरकार दूसरे दिन वो सभी वहाँ पहुँच गए और सबसे पहले किट, जो कि नेल से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला था, वो दौड़ा दौड़ा उस घर के पास गया जहाँ पे नेल और उसके दादाजी रह रहे थे। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचा, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है
या फिर कोई रो रहा है। किट घबरा गया और उसने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला। किट ने देखा कि सामने ही नेल के दादाजी बैठे हुए थे और वो बैठकर रो रहे थे और खुद से ही बातें कर रहे थे। तभी किट उनके पास गया और उनसे कहा कि दादाजी। दादाजी एकदम डर गए और कहने लगे, एक और भूत आ गया। किट ने उनसे कहा कि नहीं दादाजी, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं किट, आपको याद नहीं मैं आपके साथ काम करता था? नेल कहाँ है, प्लीज़ बताइए ना, नेल कहाँ है? दादाजी ने कहा कि शाम से ही बहुत सारे भूत आ रहे हैं और वो सभी भूत यही पूछते हैं कि नेल कहाँ है। नेल अपने रूम में है, वो सो रही है। किट ने कहा अच्छा, लेकिन इसके बाद फिर दादाजी ने कहा कि वो काफ़ी देर से सो रही है। नेल, तुम वहाँ क्यों सो रही हो? देखो तुम्हारे दोस्त आते हैं तुमसे मिलने के लिए। वो काफ़ी देर से आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि नेल कहाँ है और उसके बाद वो रोने लगते हैं। नेल बहुत ज़्यादा थक गई है, वो एकदम से हिल भी नहीं रही। वो सोई हुई है गहरी नींद में। वो थकी हुई है ना, जब वो आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। किट ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया, वो रोने लगा। तभी वहाँ मिस्टर कार्लिन, सिंगल जेंटलमैन और मिस्टर मार्टिन आए। उन सभी को दादाजी की वो हालत देखी नहीं गई। तभी सिंगल जेंटलमैन, जो कि दादाजी के भाई थे, वो दादाजी के पास गए और उनसे कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो नेल के लिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो। तुम उन सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि एक और ऐसा इंसान था जिसे तुम प्यार करते थे, तुम्हारा भाई? क्या तुम्हें याद है कि तुम दोनों ने कितने अच्छे पल बिताए थे बचपन में? लेकिन एक दिन तुम्हारा भाई घर छोड़कर चला गया दुनिया घूमने के लिए। सोचो अगर वो भाई वापस आ जाए तो, और तुम्हारी देखभाल करना चाहे तो, क्या तुमने मुझे पहचाना, मेरे प्यारे भाई? दादाजी इधर उधर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम ये कोशिश कर रहे हो कि मैं नेल को भूल जाऊं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। वही सिर्फ मेरी इकलौती दोस्त और रिश्तेदार है, वो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा कहकर दादाजी नेल के रूम में गए और उनके पीछे पीछे बाकी भी आए। वो सभी वहाँ नेल को देखकर रोने लगे। नेल अब इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। नेल की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी और जब वो मरने वाली थी तो उस वक्त उसके आसपास उसके दोस्त थे जो कि उस गांव के थे। जब वो मरी तो उस वक्त उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं था, वो खुश थी, उसे किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो किट से मिलना चाहती है, उसे एक बार फिर से देखना चाहती है और वो ये भी चाहती है कि काश कोई किट से जाकर ये कह सके कि नेल उससे प्यार करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मिस भी करती है। नेल का अंतिम संस्कार हुआ और उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया जहाँ पे वो जाया करती थी। और जैसे वो बच्चों के कब्र की देखरेख करती थी, वैसे ही उसके दोस्त उसकी कब्र की देखरेख करते थे, उस पर फूल रखते थे। दादाजी के लिए ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल था। वो
इधर उधर गांव में जाकर नल को ढूंढा करते थे। और फिर जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वो नल के कब्र के पास बैठकर उसके आने का इंतज़ार करते। सबने बहुत ही कोशिश की उन्हें समझाने की कि नल चली गई है और अब वो नहीं आएगी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही सबने देखा कि दादाजी भी नहीं रहे। उन्होंने नल के कब्र के पास ही अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद उनका भी अंतिम संस्कार हुआ और उन्हें नल के कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया। आखिरकार नल और उसके दादाजी फिर से एक साथ थे। बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी थी ना, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और हमेशा चलती रहती है, तो इसीलिए अभी थोड़ी सी कहानी और बाकी है मेरे दोस्त। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वो भी जान लेते हैं थोड़ा। मिस्टर सैमसन ब्रास को कुछ सालों के लिए जेल भेजा गया और उसके बाद उन्होंने कभी भी एक लॉयर के तौर पे काम नहीं किया। मिस सैली ब्रास का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ बनाते थे उसके बारे में। लेकिन सच तो ये था कि किसी को नहीं पता था कि सैली ब्रास कहाँ है, वो गायब हो चुकी थी। कई दिनों के बाद डैनियल क्विब की डेड बॉडी नदी में से मिली। उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए इंक्वायरी हुई, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि डैनियल क्विब मर चुका है। रिचर्ड स्विवलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार था, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसकी आंटी ने जो उसके लिए पैसे छोड़े थे वो पैसे भी उसे मिल गए। रिचर्ड स्विवलर अब बदल चुका था और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, उसने उन पैसों का इस्तेमाल मार्शनेस की देखरेख करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने मार्शनेस के लिए नए कपड़े खरीदे और उन्हीं पैसों से उसकी स्कूल की फी भी भरी। मार्शनेस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनी। सिंगल जेंटलमैन, जो कि नेल के दादाजी के छोटे भाई थे, वो इन सभी घटनाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी एक यात्रा पे निकलेंगे, उसी यात्रा पे जिस पे नेल और उसके दादाजी गए थे। और उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को ढूंढा और उन्हें धन्यवाद किया जिन्होंने भी नेल और उसके दादाजी की मदद की थी। अब बारी आती है किट के बारे में बताने की। आप सभी भी जानना चाहते होंगे ना। किट ने शादी कर ली बारबरा से और उन दोनों के दो बच्चे भी थे। किट अक्सर ही अपने बच्चों को नेल की कहानियाँ सुनाया करता था। वो उन्हें बताता था कि नेल कितनी अच्छी और कितनी स्वीट थी। यही थी वो कहानी जो मुझे थी आपको सुनानी।